बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपने चैनल में टसल्स बनाना सिखा रही हूँ। इनको आप टसल्स कह लें, लटकन कह लें, या फिर पंजाबी में इनको फूंदे भी कहते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल के नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करें और साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये मैं लटकन बनाने के लिए या टसल्स बनाने के लिए हमें एक चौरस कपड़े की ज़रूरत होती है। ये देखिए, मैंने ये चौरस कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और उसकी लंबाई भी 4 इंच है। इसको पूरे चौरस कपड़े को हम लेते हैं। आमतौर पर जो टसल्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर ये चौरस कपड़ा करने के बाद इसको बुलाई दे दी जाती है, इधर से यूं गुलाई देने के बाद एक डोरी बनाकर मैंने ये टसल्स यूज नहीं करने, इसलिए मैं ये डोरी सैंपल के तौर पे ये डोरी दूसरी वाली ले रही हूँ। यहां से रख इसको सीधा कर लिया जाता है इस तरह, और ये हमारे पास टसल्स बन जाते हैं। आजकल जो टसल्स हमारे पास चल रहे हैं वो कमीजों के घेरों पर, बाजुओं के आगे और दुपट्टों पर भी आजकल टसल्स लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इन टसल्स का मसला ये है कि इसकी यहाँ पर जो हम इसको यहाँ से काटते हैं तो इसके धागे बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो इसका मैं आपको एक हल बताती हूँ कि इसको आप किस तरह सिए, किस तरह बनाए कि इसके धागे ना निकले। कमीज पर बनाने वाले टसल्स बता रही हूँ मैं आपको, कमीज पर बनाने वाले टसल्स बता रही हूँ। देखिए, ये चौरस एक कपड़ा मैंने लिया है, इसकी हम यहां से गुलाई कर लेते हैं इस तरह, दोनों साइडें मिला के देखें कि एक जैसी हो। ये बिल्कुल एक सर्कल हमारे पास आना चाहिए होता है। जब इस सर्कल की शेप होनी चाहिए, ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहां से हल्का सा कट लगा दें, ये जो हमारे पास नोक बन रही है यहां से साइडों से हम हल्का सा कट लगा रहे हैं। मैं दो तरीके से बताती हूँ आपको। या आपने हल्का सा कट लगाया और ये साइड सीधी करने के बाद ये जो गुलाई हमारे पास आ रही है यहां पर आप सिलाई लगा दें। गुलाई के साथ साथ सिलाई लगाइएगा। ये देखें, ये हमारे पास गुलाई थी, गुलाई के साथ साथ हमने सिलाई लगा ली है। यहां से जो हमने कट लगाया था यहाँ पे एक सुराख है। आपने कोई भी चीज ले लेनी है, कोई पेंसिल, कुछ भी, मैंने ये एक पेचकस लिया है, इसको पकड़ के हम इस नोक को इधर से हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। इस नोक में से निकाल के हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं इस तरह। इसकी नोक अच्छी तरह फाइन कर लें। ये देखिए, हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसको आपने यहां से पकड़ना है, दोबारा से मोड़ के आप इधर साइडों पे सिलाई लगा लें इस तरह करके। इसको आप पहले इस्त्री कर लें, इस्त्री करने के बाद इसकी साइडों पे सिलाई लगा लें। सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें, अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखें, ये सीधा करने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। अगर आपने इस तरह नहीं करना, ये देखें, ये मैंने, अगर आपने इस तरह नहीं बनाना, इससे भी आसान तरीके से बनाना है। ये हमने चौरस कपड़ा करके इसकी गुलाई ले ली है, ये देखें गुलाई काटी हुई है। अब हम देखें गुलाई काटी हुई है, अब हम इसको दरमियान से पकड़ के कैंची से अलग अलग कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम इसके साइड पर सिलाई लगाते हैं।
ये देखें हमारे पास सिलाई लग गई है, ये इसको हम करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद इस पर प्रेस लाजमी करें सबको इस तरह सिलाइयां लगा के। अब जितने भी बनाना चाह रहे हैं पहले सिलाइयां लगा के इसको इस तरीके से सिलाइयां इनकी बिठा, अब ये हम साइड पे रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके थोड़े एजेस काट देंगे, इसको हम करते हैं सीधा इस तरह। ये देखें ये भी हमारे पास बनके टसल तैयार है। आप जिस मर्जी साइज का इस तरह से टसल बना सकते हैं। ये देखें मैंने ये छोटे साइज में भी बनाया है, बड़े साइज में मैंने बाद में इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बड़े साइज में मैंने इसलिए बनाया कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये छोटे साइज में भी मैंने टसल बनाया हुआ है। आप चाहे तो जिस मर्जी साइज का बनाए इस तरीके से, इस तरीके से आपके यहाँ से नीचे से धागे नहीं निकलेंगे। और ये जो मैंने बाद में तरीका बताया है इसमें यहाँ पे देखे साइडों में धागे निकल रहे हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट पे तरीका बताया है वहां पे ये साइडें भी लॉक है, यहाँ से भी धागे वो नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कट नहीं लगाया था, यहाँ से पहले ही ज्वाइन था तो इस वजह से। अब ये देखे मैंने मुख्तलिफ तरह के टसल्स बनाए हुए, आप कमीजों पे, बाजुओं पे, गले पे, जहां पे मर्जी लगाएं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कैसे कमीजों पे कमीजों पे यूज करते हैं, मैं लगा के आपको बताऊंगी। ये देखें ये आप दुपट्टे पर टसल लगाएं इस तरह बना के, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मोती के साथ लगाएं या मोती के बगैर लगाएं या धागे के टसल बना के उसके साथ लगाएं, ये आपकी मर्जी है। ये मैंने धागे साथ ही रखे हैं, इसको अटैच करना भी मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप इसको इस तरह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप छोटे वाला लेंगे, छोटे वाले में से लेके यहाँ दरमियान में से सुई निकाल लें, ऐसे दरमियान में से सुई निकाल लें, ये साइज के हिसाब से है। सुई निकालने के बाद आपने यहाँ पे एक छोटा सा टांका लेना है इसको पक्का करने के लिए ताकि ये धागा इधर उधर ना जाए। फिर उससे बड़े वाला लेंगे, उसमें से भी सुई निकाल लें और उसको आपने यहाँ इस तरह रखना है कि नीचे से सिर्फ टसल नजर आए, हमारा धागा नजर ना आए। ये देखिए इस तरह इधर से भी हम एक छोटा सा स्टिच ले लेते हैं, पक्का कर दें इधर से। और अब हम ये तीसरे वाले से निकालेंगे दरमियान से इस तरह। ये इस तरह रखने के बाद आप इधर से भी एक हल्का सा स्टिच लेने के बाद जिस चीज के साथ भी लगाएंगे उसके साथ पक्का कर दें। ये देखिए इस तरह, ये बाकी मोतियों के साथ है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।